इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टिसिपल की सहायता से हम दो सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे, वही पढ़ने जा रहे हैं। लिखा हुआ ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय मेकिंग यूज ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल का इस्तेमाल करके सेंटेंस के पेयर को जोड़ना, ठीक है, नीचे दिए गए सेंटेंस के पेयर को जोड़ना। लिखा हुआ ही लिसनड टू द रेडियो, इट वॉज प्लेइंग इन द नेक्स्ट रूम, ठीक है, वह रेडियो सुना, यह नेक्स्ट रूम में बज रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ही लिसन टू द रेडियो, LISTNED, लिसनड टू द रेडियो। अब देखिए यह बज रहा था, यह बज रहा, यह मतलब क्या, रेडियो, रेडियो को क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो V4 है, V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो क्या कर रहा है, ये रेडियो का विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव ग्रुप में काम कर रहा है कि नेक्स्ट रूम में ये बज रहा था। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों किसके लिए है, रेडियो के लिए आए, तो इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग इन द नेक्स्ट रूम, प्लेइंग इन द नेक्स्ट रूम। सेकेंड है ही ओपन द ड्रॉर, ही फाउंड द मिसिंग चेन। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4। कब इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस को जोड़ने में, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो काम हो, एक ही बार में हो या फिर एक के बाद दूसरा हो, और उसके बीच में अगर समय अंतराल बहुत ही कम हो, तो हम पहले सेंटेंस के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, ही ओपन द ड्रॉर, ही फाउंड द मिसिंग चेन। तो यहाँ यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट सेम है, तो क्या करेंगे, पहले सेंटेंस कौन है, ये है, तो इसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4, तो हो जाएगा ओपनिंग, ओपनिंग द ड्रॉर, TRAWER, ओपनिंग द ड्रॉर, ही फाउंड द मिसिंग चेन, ही फाउंड द मिसिंग मिसिंग चेन। थर्ड है शी वॉज रिजेक्टेड बाय ऑल हर लवर्स, शी डिसाइडेड टू लीव द सिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पैसिव वॉइस में, वो अपने सभी लवर्स, वो अपने सभी लवर्स के द्वारा रिजेक्ट की गई, शी डिसाइडेड टू लीव द सिटी, तो वह सिटी को छोड़ने का निर्णय की, ये पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर देंगे। तो बी में सोच क्या, होना, तो आई लगा दी बींग, उसके बाद V3, पैसिव वॉइस में V3 नहीं लगता, बींग रिजेक्टेड बाय ऑल हर लवर्स, ऑल हर लवर्स, फिर लिख देंगे शी डिसाइडेड टू लीव द सिटी, शी डिसाइडेड टू लीव द सिटी। फोर है पंकज टाइप्ड द लेटर, पंकज लेटर को टाइप किया, ही पुट इट बिफोर द ऑफिसर फॉर हिज सिग्नेचर, और इसको ऑफिसर के सामने रखा उसके सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगाते हैं, जब दो सेंटेंस है ना, जो दो सेंटेंस के बीच समय अंतराल कम हो, तो लिखेंगे हैविंग टाइप्ड, टाइप्ड द लेटर, हैविंग टाइप्ड द लेटर, ही पुट इट बिफोर द ऑफिसर फॉर हिज सिग्नेचर, लिख देंगे ही पुट इट बिफोर द ऑफिसर फॉर हिज सिग्नेचर। फाइव है आई सॉ विकास, ही वॉज टेकिंग ए फोटोग्राफ विद हिज कैमरा, मैंने विकास को देखा, वह अपने कैमरा से फोटोग्राफ ले रहा था। तो यहाँ पर क्या विकास है, तो विकास के बारे में ही बोला जा रहा है कि वह क्या फोटोग्राफ अपने कैमरा से एक फोटोग्राफ ले रहा था, तो ये वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, ये जो टेकिंग है, ये जो नाउन है, इसका क्या कर रहा है, इसका क्वालिफाई कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी क्या है, एडजेक्टिव के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल हुआ। तो लिखेंगे कि आई सॉ विकास, मैंने विकास को देखा, उसके बाद जो कर रहा था वो प्रेजेंट पार्टिसिपल लिख देंगे, तो टेकिंग ए फोटोग्राफ विद हिज कैमरा। सिक्स है ही सॉ सम गर्ल्स, दे वर क्वरलिंग विद वन अनदर, ठीक है, वन अनदर, एक दूसरे से वे लोग लड़ रही थी। एक दूसरे के लिए क्या होता है, इच अदर होता है, इच अदर दो के लिए होता है,
और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर होता। तो वह कुछ लड़कियों में देखा, वे लोग एक दूसरे से झगड़ रही थी। तो सबसे पहले बनाएंगे ही सॉ सम गर्ल्स। अब ये किसके लिए आए, दे वर किसके लिए, गर्ल्स के लिए, सम गर्ल्स के लिए। तो ये जो सम गर्ल्स का विशेषता कौन बता रहा है, कर्लिंग यानी वी फॉर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर कर्लिंग डायरेक्ट लिख देंगे, यानी क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल वी फॉर, तो कर्लिंग विद वन अनदर, कर्लिंग विद वन अनदर। तो आंसर हो गया ही सॉ सम गर्ल्स कर्लिंग विद वन अनदर। सेवन है सी कुड स्मेल समथिंग इट वॉज बर्निंग इन द किचन। ये भी सिक्स की तरह ही बनेगा, वो कुछ सूंघ सूंघ ही, ठीक ना, सूंघ सकी। इट वॉज बर्निंग, इट वॉज किसके लिए इस्तेमाल हो, समथिंग के लिए, ठीक है, समथिंग के लिए। तो इट वॉज को नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ये वी फोर लिखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लिखेंगे सी कुड स्मेल समथिंग, ठीक है, बर्निंग इन द किचन, बर्निंग बर्निंग इन द किचन, KITCHEN, बर्निंग इन द किचन। एट है द पुलिस फाउंड ए मैन ही वॉज हाइडिंग इन द बुश। तो पुलिस एक आदमी को पाया, वह झाड़ी में छिपा हुआ था। तो ही वॉज किसके लिए आया, एक आदमी के लिए आया। तो हाइडिंग क्या कर रहा, हाइडिंग मैन का विशेषता बता रहा, ठीक है। तो ये वी फोर जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो लिखेंगे द पुलिस फाउंड फाउंड ए मैन, द पुलिस फाउंड ए मैन, फिर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हाइडिंग इन द बुश। नाइन है ही ड्रोव अलोंग द रोड ही सॉ मेनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स। जब वो रोड रोड पर क्या ड्राइव कर रहा था, ठीक, रोड, तो वह सुंदर बिल्डिंगों को, कई सुंदर बिल्डिंगों को देखा। तो लिखेंगे यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दो काम हो रहा, दोनों में क्या सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है, एक ही सब्जेक्ट काम कर रहा, और दोनों के बीच समय अंतराल कम है। ये क्या, ये काम जारी है, ये काम क्या है, जारी है, रास्ता पर ड्राइव करने का काम जारी है। तब वो उसी वक्त बिल्डिंग को देखा, तो जारी है, तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वी फोर। तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग अलोंग द रोड। क्या होगा, ही सॉ मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, ही सॉ मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, BYLDINGS। 10 है इट वॉज ए वेरी हॉट डे आई रिमेंट इन माई टेंट, ठीक है। तो बहुत गर्मी वाला दिन था, तो मैं अपने टेंट में ही रहा। तो क्या लिखेंगे, बीइंग ए वेरी हॉट डे, बहुत गर्मी होने की वजह से आई रिमेंट इन माई टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, कि यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी इट है, तो यहाँ पर भी इंट्रोडक्टरी इट होगा, ठीक है। बी को स्मॉल कर लेंगे, तो ये सिर्फ ध्यान रखना है कि इंट्रोडक्टरी इट अगर हटा देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा।